एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में है जो शेर कहे कि मदीना छोड़ के मैं जा रहा हूं करबो भला, मदीना छोड़ के मैं जा रहा हूं करबो भला, वकारे दीने पैगंबर बचा के लाऊंगा, किसी में दम हो तो वो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर भी इसी रास्ते से आऊंगा। किसी में दम हो तो वो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर भी इसी रास्ते से आऊंगा। एक जाना पहचाना नाम, एक जाना पहचाना तखयुल, यानी नाम है कलीम असगर बिजनौरी। तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवा से इस्तकबाल कर। हजरात, सबसे पहले इस जश्न की जश्न बाबरकत की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। और दूसरे जरा सा भाई सुन लीजिए पहले, और एक सच्चाई आ जाओ, जिसका एतराफ इस वक्त बहरहाल मुझे करना जरूरी है। देखिए, जो एक सलवात पढ़ दें मिलजुल कर, थोड़ा सा इधर अपनी तवज्जो हाथ जोड़ लें। देखिए, यहाँ इस वक्त मोहतरम शख्सियात जिनमें उस्तादुश शोरा जनाबे मोहतरम शहजादा गुलरेज साहब, रजा मौरानवी साहब, हमारे सदर मोहतरम मौलाना समीरुल हसन साहब क़िबला, और तमाम उलमाए किराम। देखिए, इन हजरात की मौजूदगी में और ख़ास तौर से उन हजरात के सामने के जो गुलरेज साहब और मोहतरम रजा मौरानवी साहब की शायरी से जिनकी समातें मानूस हों, उनके सामने एक शायर की हैसियत से खड़ा होना मेरे लिए जसारत है। लेकिन सिर्फ आपकी दुआएँ नसीब हो जाएँ, किसी हद तक आप तक अब ये मैं आपकी तरफ से पहले चार मिसरे, आप इस वक्त करबला के जिक्र से मुत्तसिल हैं, और एक अपनी हकीकत, और यहीं से आगाज करता हूँ। मुलाहिजा कर लिया कि हमने खुद को जिक्र मौला के हवाले कर दिया, हमने खुद को जिक्र मौला के हवाले कर दिया, खैरियत के साथ जीने की जमानत मिल गई। खैरियत के साथ जीने की, शेर सुनिएगा, खैरियत के साथ जीने की जमानत मिल गई, और जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियां मनाने की इजाजत मिल गई। खुशियां मनाने की, जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, जश्न में आकर हुए जब करबला वाले शरीक, यूं लगा खुशियां मनाने की इजाजत मिल गई, यूं लगा खुशियां मनाने की इजाजत मिल गई। एहसास जुर्म और खता का जगा दिया, एहसास जुर्म और खता का जगा दिया, तौबा के हौसले ने तकब्बुर मिटा दिया, तौबा के हौसले ने तकब्बुर मिटा दिया, और करबो बला में नुसरत शब्बीर की कसम, जालिम को हुर ने जंग से पहले हरा दिया। करबो बला में नुसरत शब्बीर की कसम, जालिम को हुर ने जंग से, जालिम को हुर ने जंग से पहले हरा दिया, जालिम को हुर ने जंग से पहले हरा दिया, और हदे ईसार से आगे निकल जाने का जज्बा है, हदे ईसार से आगे निकल जाने का जज्बा है, चमक तलवार की किरदार तक आने नहीं देंगे, चमक तलवार की किरदार तक आने नहीं देंगे, और वजूदे हक मिटाने करबला तक आ गया बातिल,
खुदा वाले इसे घर लौटकर जाने नहीं देंगे। खुदा वाले इसे घर लौटकर हक मिटाने करबला तक आ गया बातिल, खुदा वाले इसे घर लौटकर जाने नहीं देंगे और अलमदारी का जिम्मा सानिये हैदर उठा लेंगे। अलमदारी का जिम्मा सानिये हैदर उठा लेंगे और सितम का जोर असगर एक हंसी से आजमा लेंगे। शेर सुनिएगा, सितम का जोर असगर एक हंसी से आजमा लेंगे और ये कहकर शाहिदी अकबर को लाए हैं मदीने से, अजाने तुम बचाना हम नमाजों को बचा लेंगे। अलमदारी का जिम्मा सानिये हैदर उठा लेंगे, सितम का जोर असगर एक हंसी से आजमा लेंगे। ये कहकर शाहिदी अकबर को लाए हैं मदीने से, अजाने तुम बचाना हम नमाजों को बचा लेंगे। अजाने तुम बचाना हम नमाजों को, अजाने तुम बचाना हम नमाजों को बचा लेंगे, अजाने तुम बचाना हम नमाजों को बचा लेंगे। इस्लाम के दुश्मन को निगाहों से गिरा के, फिर सुनिएगा, इस्लाम के दुश्मन को निगाहों से गिरा के परचम को उठा लाए हैं हम हाथ कटा के। परचम को उठा लाए हैं, परचम को उठा लाए हैं हम हाथ। देखिए ये शेर पेश करता हूँ, बुजुर्गों की दुआएं नसीब हो जाए, मेरे लिए ताईद हो जाएगी। शेर सुनिएगा, परचम को उठा लाए हैं हम हाथ कटा के और जो काम कोई दिन के उजाले में ना कर पाए। भाई शेर सुनिएगा, जो काम कोई दिन के उजाले में ना कर पाए वो काम किया शहने चरागों को बुझा के। वो काम किया शहने कोई दिन के उजाले में ना कर पाए, काम कोई दिन के उजाले में ना कर पाए वो काम। हुसैनिया 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 नारे हैदरी। जो काम कोई दिन के उजाले में ना कर पाए वो काम किया शहने चरागों को बुझा के। और बेशीर का अंदाजे बिगा सबसे अलग है, बेशीर का अंदाजे बिगा सबसे अलग है। दिखला दिया हारे हुए दुश्मन को रुला के, दिखला दिया हारे हुए, शेर सुनिए, दिखला दिया हारे हुए दुश्मन को रुला के। और जीने के लिए जिस्म के मोहताज नहीं हम। मिसरा सुने, जीने के लिए जिस्म के मोहताज नहीं हम, नैजे पे बता जाएंगे कुरान सुना के। नैजे पे बता जाएंगे नहीं हम, जीने के लिए जिस्म के मोहताज नहीं हम, नैजे पे बता जाएंगे कुरान सुना के, नैजे पे बता जाएंगे। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बगैर आपकी समा खराशी किए खिदमत हो सके।
पेश करता हूँ नैजे पे जीने के लिए, जिस्म के मोहताज नहीं हम, नैजे पे बता जाएंगे, नैजे पे बता जाएंगे, कुरान सुना के नैजे पे बता जाएंगे जीने के लिए जिस्म के मोहताज नहीं। आइए भाई तशरीफ लाए। जीने के लिए जिस्म के मोहताज नहीं हम, नैजे पे बता जाएंगे कुरान सुना के, जो काम कोई दिन के उजाले में ना कर पाए वो काम किया शहने, चरागों को बुझा के देखे जुड़े रहिए कि जंग में एक एक सिपाही भेजकर शब्बीर ने, जंग में एक एक सिपाही भेजकर शब्बीर ने करबला को जीत कर दिखला दिया लश्कर बगैर। शेर पेश करता हूँ, करबला को जीत कर दिखला दिया, देखिए शेर में शामिल हो जाइए, करबला को जीत कर दिखला दिया लश्कर बगैर, और इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, भाई बहुत कीमती शेर है इधर जुड़ जाएं, कि करबला को जीत कर दिखला दिया लश्कर बगैर, इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर, करबला चल ही करबला को जीत कर दिखला दिया लश्कर बगैर, इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर, करबला चल ही नहीं सकती, करबला चल ही नहीं सकती, करबला चल ही नहीं सकती। देखिए इस शेर के लिए यहां तक मैं आपको लाया, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर, जंग में एक एक सिपाही भेजकर शब्बीर ने करबला को जीत कर दिखला दिया लश्कर बगैर, इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर, करबला चल ही नहीं सकती। शेर सुने के करबला चल ही नहीं सकती अली असगर, अली असगर बगैर और खंजरों को क्या खबर थी सर पढ़ेंगे आयतें, करबला चल ही नहीं सकती, करबला चल ही नहीं सकती। मिसरा अब तक पहुंच जाए, करबला चल ही, इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर और खंजरों को क्या खबर थी सर पढ़ेंगे आयतें, और मक्तल में बदन जिंदा रहेंगे सर बगैर, और मक्तल
जलसे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर। खंजरों को क्या खबर थी, सर पढ़ेंगे आयतें, और मक्तल में बदन, और मक्तल में बदन जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे सर बगैर। देखिए वो चार शेर पेश करता हूँ, उसकी रदीफ है प्यास, देखिए कबूल कर लीजिएगा। पेश करता हूँ कि सारे जहां को मशको आलम की ऊंचाई बतलाती है। एक उससे पहले दो मिसरे, दो शेर सुन ले, जल्दी से पेश करता हूँ मौला अब्बास के हवाले से। ये शेर सुन ले के हम लोग दुआए जहरा है ए फर्श आजा हम लोगों को, हम लोग दुआए जहरा है ए फर्श आजा हम लोगों को, शब्बीर के गम की हर मजलिस औलाद से प्यारी होती है, शब्बीर के गम की हर मजलिस। देखिए शेर का इस्तेमाल करिएगा मौला अब्बास की अजमतों को सलाम करते हुए, शब्बीर के गम की हर मजलिस औलाद से प्यारी होती है। और ये बात अली से कहते हैं शब्बीर बड़े ही नाज के साथ, ये बात अली से कहते हैं शब्बीर बड़े ही नाज के साथ, अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी होती है, अब्बास का परचम ये बात अली से कहते हैं शब्बीर बड़े ही नाज के साथ, अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी होती है, अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी। चार मिसरे और मेरे याद आए, वो भी सुन लीजिए। अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी होती है, और हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए, हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए परचमे हक की कसम सबसे बड़े हैं अब्बास, परचमे हक की कसम। देखिए एक 30 सेकंड में ये समा खराशी माजरत के साथ पेश करता हूँ कि जब इमाम का जहूर होगा, जब इमाम ने सुबह आशूर नमाज अदा की तो इमाम के मुसल्ले की तरफ तीर आए, जब इमाम तशरीफ लाएंगे इमाम का मुसल्ला पानी पर होगा, नमाज और सजदे की हिफाजत की क्या कैफियत होगी, अपनी जिम्मेदारियां शामिल कर ले। शेर पेश करता हूँ कि हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए परचमे हक की कसम सबसे बड़े हैं अब्बास, और अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते, अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते, आज दरिया के किनारे पे खड़े हैं अब्बास। अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते, अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते, आज दरिया के किनारे पे खड़े हैं अब्बास, आज दरिया के किनारे पे अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते, आज दरिया के किनारे पे खड़े हैं अब्बास, और सारे जहां को मशको अलम की ऊंचाई बतलाती है, सारे जहां को मशको अलम की ऊंचाई बतलाती है, जीत गए अब्बास दिलावर दरिया से लौट आई प्यास, जीत गए अब्बास दिलावर। अब शेर में शामिल हो जाइएगा कि जीत गए अब्बास दिलावर दरिया से लौट आई प्यास, और फतेह हुसैनी का एक मंजर ये भी मिला आशूर की शब,
फतेह हुसैनी का एक मंजर ये भी मिला आशूर की शब, खेमे से निकली भी नहीं और हुर को बचा कर लाई प्यास। हेलो, फतेह हुसैनी का एक मंजर ये भी मिला आशूर की शब, खेमे से निकली भी नहीं और हुर को बचाकर लाई प्यास। और जैसे ही पानी ने सुनी अब्बास के कदमों की आहट, जैसे ही पानी ने सुनी अब्बास के कदमों की आहट, साहिल से टकराई मौजे दरिया में दराई प्यास। साहिल से टकराई मौजे दरिया में दराई प्यास। देखिए, अगर ये शेर आप तक पहुंच गया इन बुजुर्गों के हवाले से, शायद मुझ जैसा तालिब इल्म आप तक पहुंचा सके। साहिल से टकराई मौजे दरिया में दराई प्यास, और कोई सवाले आप ना होगा तश्ना लबों के होठों पर, कोई सवाले आप ना होगा तश्ना लबों के होठों पर, खुददारी से खत्म करेगी पानी की महंगाई प्यास। सिर्फ एक शेर तक लाना है, खुददारी से खत्म करेगी पानी की महंगाई प्यास, और शिमर पे लानत करता रहेगा कतरा कतरा पानी का। शिमर पे लानत करता रहेगा कतरा कतरा पानी का, जालिम की तकदीर में लिखकर छोड़ गई रुसवाई प्यास। तकदीर में लिखकर छोड़ गई रुसवाई। यहां तक लाना था। और उससे पहले यह अर्ज कर दूं, जब तक किसी प्यासे को उसके हस्बे जरूरत पानी ना मिल जाए, उसकी प्यास बाकी रहती है। अब भाई जो लोग बाहर है वहां तक शेर में शामिल हो जाइए कि कोई सवाल है आप ना होगा तश्ना लबों के होठों पर, खुददारी से खत्म करेगी पानी की महंगाई प्यास, शिमर पे लानत करता रहेगा कतरा कतरा पानी का, जालिम की तकदीर में लिखकर। आपको आपके हक का वास्ता शेर सुन लीजिएगा, जालिम की तकदीर में लिखकर छोड़ गई रुसवाई प्यास, और जिसके लिए अब्बास दिलावर नहर से प्यासे लौट आए हैं, जिसके लिए अब्बास दिलावर नहर से प्यासे लौट आए, चार बरस की उस बच्ची ने जिंदा तक पहुंचाई प्यास। चार बरस की उस बच्ची ने, जिसके लिए नारे हैदरी हैदरी हैदरी, जिसके लिए अब्बास दिलावर नहर से प्यासे लौट आए, चार बरस की उस बच्ची ने जिंदा तक पहुंचाई प्यास। चार बरस की उस बच्ची ने जिंदा तक पहुंचा। बहरहाल ये एक ऐसा इस वक्त माहौल है, सुनते रहिएगा। बहरहाल पेश करता हूं कि चार बरस की उस बच्ची ने जिंदा तक पहुंचाई प्यास, सबीलों की जबी पर नाम जब देखा सकीना का, कसीदा लिखते लिखते हो गया नौहा सकीना का। सीधा लिखते लिखते अब अपनी शायरी का मौला अब्बास जनाब सकीना के हवाले से बहुत अहम शेर आपके हवाले करता हूं कि कसीदा लिखते लिखते हो गया नोहा सकीना का, और जहां सकाई और तश्ना लबी एक साथ रहती है। मिसरा सुने, जहां सकाई और तश्ना लबी एक साथ रहती है, वहां तक ले गए अब्बास मशकीजा सकीना का, वहां तक ले गए अब्बास भी एक साथ रहती है, जहां सकाई और तश्नाला भी एक साथ रहती है, वहां तक ले गए अब्बास मशकीजा सकीना का। और सितमगारों, ये अब्बास दिलावर की भतीजी है, कहां तुम बुजदिलों से सामना होगा सकीना का, कहां तुम बुजदिलों से, मिसरा सुने, कहां तुम बुजदिलों से सामना होगा सकीना का, और इसी के भाई ने एक दिन तुम्हें हंसकर रुलाया था, इसी के भाई ने एक दिन तुम्हें हंसकर रुलाया था, तुम्हें कर देगा बेघर कैद में रहना सकीना का, तुम्हें कर देगा बेघर
बाकी के भाई ने एक दिन तुम्हें हंसकर रुलाया था, तुम्हें कर देगा बेघर कैद में। रहना रहना सकीना का रसन बस्ता हरम, सारी नमाजें साथ पढ़ते हैं। रसन बस्ता हरम सारी नमाजें साथ पढ़ते हैं। जहां जैनब के सजदे हैं वहीं सजदा सकीना का, जहां जैनब के सजदे हैं। ठीक है, इस सिलसिले का एक शेर और सुन लो, उसके बाद जो हुक्म है उसके लिए दो चार शेर मुझे पेश करने, उसके बाद इंतमाश से दुआ क्योंकि वक्त भी ज्यादा ना हो। जहां जैनब के सजदे हैं वहीं सजदा सकीना का, नजर हर एक की कुरान पढ़ते सर की जानिब थी, बिना चादर के भी बाकी रहा पर्दा सकीना का, बिना चादर के भी बाकी रहा पर्दा, पर्दा सकीना का। खयामे शहमे ये मंजर भी पाए जाते हैं, बुझा के शम्मा उजाले बढ़ाए जाते हैं। कि शेर सुनते रहिए, एक सलवात पढ़ दे अपनी आमादगी के तौर पे और फिर यकीनन उसी मंजिल पे आप आएंगे। खयामे शहमे ये मंजर भी पाए जाते हैं, बुझा के शम्मा उजाले बढ़ाए जाते हैं। और दरे हुसैन को काबा न क्यों सलाम करे, यहाँ पे सर ही नहीं दिल झुकाए जाते हैं। शेर सुने, यहाँ पे सर ही नहीं दिल झुकाए जाते हैं। और बुलंदियों के मुसाफिर भला कहाँ जाएं, ये सब के सब दरे जहरा पे पाए जाते हैं। ये सब के सब, देखिए आमादा हो जाइए, दो तीन शेर बहुत कीमती पेश करते, ये सब के सब दरे जहरा पे पाए जाते हैं। और पुकारे दार से मीसम हमारे होते हुए, अली के जिक्र पे पहरे लगाए जाते हैं। अली के जिक्र पे पहरे, अली के जिक्र पे पहरे लगाए जाते हैं। और जमाना देखेगा मेयारे दोस्ती क्या है, हबीब इब्ने मजाहिर बुलाए जाते हैं। हबीब देखे बहुत आराम से ये शेर, बहरहाल जिस तरह मैं पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा सा सहारा दे दे ताकि उस शेर तक पहुंच जाऊं जो सुनाना मकसूद है। कि हबीब इब्ने मजाहिर बुलाए जाते, यहीं से आमादा हो जाए कि हमारा कुछ भी नहीं इसने करबला के बगैर, हमारा कुछ भी नहीं इसने करबला के बगैर, खुशी से पहले यहाँ गम मनाए जाते हैं। हमारा कुछ भी नहीं इसने करबला के बगैर, खुशी से पहले यहाँ गम मनाए जाते हैं। और रबाब जंग से बहला रही है असगर को, रबाब जंग से बहला रही है असगर को, के लोरियों में भी मक्तल सुनाए जाते हैं। अब तक कोई मतालबा नहीं था, अब ये दो शेर हैं सिर्फ ये सुनने के, लोरियों में भी मक्तल सुनाए जाते हैं। दुआओं से नवाज दीजिएगा, बहुत अहम शेर पेश करता हूं। के लोरियों में भी मक्तल सुनाए जाते हैं। और यजीद जितना गुजरता है जुल्म की हद से, शेर सुने, यजीद जितना गुजरता है जुल्म की हद से, हुसैन सब्र की सरहद बढ़ाए जाते हैं। आखिरी शेर सुन ले, आखिरी शेर, हुसैन यजीद जितना गुजरता है जुल्म की हद से, हुसैन सब्र की सरहद बढ़ाए जाते हैं। यजीद जितना गुजरता है जुल्म की हद से, हुसैन सब्र की सरहद बढ़ाए जाते हैं। और छुपा के बालों से चेहरा बता गई जैनब, रिदा बगैर भी पर्दे बचाए जाते हैं। रिदा बगैर भी पर्दे, बालों से चेहरा बता गई जैनब, रिदा बगैर भी पर्दे बचाए जाते हैं। रिदा बगैर भी पर्दे बचाए जाते हैं। यजीद जितना गुजरता है जुल्म की हद से, हुसैन सब्र की सरहद बढ़ाए जाते हैं। खंजरों को क्या खबर थी सर पढ़ेंगे आयतें, और मक्तल में बदन जिंदा रहेंगे सर बगैर। इस्तगासे की सदा पर वक्त ने रुक कर कहा, करबला चल ही नहीं सकती अली असगर बगैर।